कृषि सुधार विधेयकों को लेकर ग्वालियर में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने जानकारी दी। उन्होंने कहा केंद्र सरकार ने जो कृषि सुधार विधेयकों में प्रावधान किए हैं वो देश के किसान को लंबे समय में लाभ पहुंचाने वाला है। इन प्रावधानों से किसान आत्मनिर्भर और समृद्ध हो सकेगा। इस विधेयक से किसान को भ्रमित नहीं होना चाहिए। न्यूनतम समर्थन मूल्य पहले की तरह निर्धारित होता रहेगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में अधोसंरचना का विकास करने के लिए केंद्र सरकार ने 65,000 करोड़ स्वीकृत किया है। साथ ही तोमर ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से 10 करोड़ किसानों को 93,000 करोड़ रुपए दिया गया है, लेकिन विपक्ष इस मुद्दे को लेकर किसानों को भ्रमित कर रहा है, जबकि मोदी सरकार किसानों की आय को दोगुना और किसान को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम उठा रही है।